सदन में एक बार फिर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव और उसके बाद अब जब परिणाम आने वाला हुआ तो एक बार फिर आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। महिला पार्षद भी आपस में लड़ती नजर आ रही है, एक दूसरे को धक्की देती नजर आ रही है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ, लेकिन जब परिणाम आने वाले हुए तो मेयर के द्वारा ये कहा गया कि एक वोट बीजेपी का जो है वो इनवैलिड है, उस पर बीजेपी ने लगातार आपत्ति जताई। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पार्षद एक दूसरे को धक्का देते नजर आ रहे हैं, हाथापाई पर उतारू हो चुके हैं। पूरे सदन में तमाम जो पार्षद हैं वो डेस्क के ऊपर खड़े हुए हैं और इस तरीके से जो आलम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, चप्पलें चल रही हैं। महिला पार्षद जो है वो भी डेस्क के ऊपर खड़ी हो गई है। किस तरीके से लोकतंत्र की ये तस्वीर सामने आ रही है, रोज ये देखा जा रहा है कि सदन के अंदर से इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। महिलाओं के जो कपड़े हैं वो तक खींचे जा रहे हैं। महिला पार्षद आपस में इस कदर लड़ रही हैं कि उनके कपड़े जो हैं वो एक दूसरे पे खींचने पर अतारू हैं। इस तरह की जो तस्वीर है वो वाकई लोकतंत्र को शर्मसार करती है, उस जनता को शर्मसार करती है जिसने बहुत ही उम्मीदों के साथ इन तमाम पार्षदों को वोट दिया, जिताकर इस सदन में भेजा, सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई, एक वोट को इनवैलिड जब मेयर ने कहा, उसी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी लगातार कह रही है कि निष्पक्षता से चुनाव तो हुआ, लेकिन जो रिजल्ट है वो निष्पक्षता से नहीं आया और उस पर जो हंगामा है वो पिछले कई घंटों से ऐसे ही बरप रहा है और अब हालात ये हो गए हैं कि एक बार फिर हाथापाई की नौबत आ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें एमसीडी के ये सदन से बार बार आ रही हैं, ये लड़ाई किस चीज़ की है, सत्ता की, जमीन बचाने की या अहम की? कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।